आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से टर्की ने जो है वो एक और चर्च को मॉस्क बना दिया है। अब दोस्तों ये कहानी क्या है, अभी आपको पता ही था कि हाया सोफिया को उन्होंने मस्जिद का दर्जा दे दिया जो एक म्यूजियम था। एक महीने बाद उन्होंने एक और म्यूजियम को मॉस्क बना दिया है, इनफैक्ट एक चर्च को मॉस्क बना दिया है। तो दोस्तों ये कोई अच्छी बात तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से एर्दोगान साहब जो हैं, एर्दोगान जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा राइटिस्ट हैं और अपने लेगेसी में बिलीव करते हैं कि जिस तरीके से ऑटोमन एम्पायर था वैसा होना चाहिए। टर्की का इतिहास जो है ना वो बहुत अलग है, तो हम देखेंगे दोस्तों इशू क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्विटर पे मैं आ गया हूँ, ये रही मेरी आईडी, और हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हैं। देखो पहले टर्की के बारे में थोड़ा सा जान लो, आपको पता ही है। वैसे मैंने सारे इंपॉर्टेंट एम्पायर्स को कवर किया है, ऑटोमन एम्पायर को नहीं कवर किया है, बहुत जल्द कवर कर दूंगा। तो देखो टर्की की बात करें तो ये है आपका पूरा का पूरा एनाटोलिया, एनाटोलिया रीजन है ये। और टर्की जो है ना वो आधा यूरोप में है और आधा जो है वो एशिया में है, ठीक है। ये जो इस्तांबुल आप देख रहे हैं ना शहर, बहुत ही खूबसूरत, यहाँ पे ही हाया सोफिया और ये म्यूजियम भी, मतलब ये जो चर्च भी है, कार्य चर्च, वो भी यहाँ पे ही है। तो दोस्तों ऐसा है कि अगर हम बात करते हैं टर्की की, तो ये पूरा एनाटोलिया रीजन था और यहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स मिलते थे, जिसकी वजह से जितने बड़े बड़े एम्पायर है ना, ग्रीक एम्पायर हो गया, पर्शियन एम्पायर, वो उसकी यहाँ पे नजर रहती थी। फिर वक्त आगे बढ़ा, सब कुछ जो है वो आपके रोमन एम्पायर के कब्जे में आ गया, आपको पता ही है। अब जब रोमन एम्पायर के, ये एनाटोलिया भी इन्हीं के कब्जे में था, जब रोमन एम्पायर के कब्जे में सब कुछ आया और जब क्रिश्चियनिटी फैली, तो क्रिश्चियनिटी जो है वो यहाँ का मेन रिलीजन बन गया था। उसके बाद आपको पता ही है कि इधर वाला जो था वो रहा बाइजेंटीन एम्पायर, मतलब जो राइट साइड वाला था, राइट साइड क्या मतलब जो इधर वेस्ट ईस्ट वाला था वो बाइजेंटीन रहा, और वेस्ट वाला रोमन जो है वो क्योंकि स्प्लिट हो गया तो वो बंद हो गया, क्योंकि बार बार वहां पे रेड्स होती रहती थी, वो खत्म ही हो गया। तो बाइजेंटीन एम्पायर के पास पूरा ये वाला जो एनाटोलिया रीजन है ना ये था। अब हुआ क्या कि भाई देखो बाइजेंटीन में ऑफिशियल रिलीजन क्या है, क्रिश्चियनिटी, तो क्रिश्चियनिटी हर जगह फैली। तो टर्की में बहुत बड़े बड़े, टर्की मतलब आज का याद रखिएगा, ये अगर मैं पुराने जमाने में बोलूं तो ये बाइजेंटीन मतलब एनाटोलिया की बात कर रहा हूं, तो जगह जगह चर्चेस बनने शुरू हुए। उसी में ही हाया सोफिया था, वो बना बहुत ही खूबसूरत, जो स्टेटस हमारे यहाँ ताजमहल का है ना, वही वहां पे हाया सोफिया यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और ये हुआ, उसके बाद फिर ऑटोमन एम्पायर आया 1453 में, तो बाइजेंटीन एम्पायर का पतन हुआ। ऑटोमन एम्पायर ने हाया सोफिया को चर्च से मस्जिद बना दिया। और फिर दोस्तों जब वर्ल्ड वॉर वन खत्म हुआ, तो केमल पाशा अतातुर्क, फाउंडिंग फादर ऑफ मॉडर्न टर्की, जब वर्ल्ड वॉर वन खत्म हुआ दोस्तों, बहुत ही कमाल की कहानी है कि टर्की को बांटने की पूरी तैयारी कर ली थी, यूरोप ने बोला कि हम पूरे इसको बांट देंगे, ठीक है। लेकिन उसके बाद केमल पाशा अतातुर्क खड़े हो गए और उन्होंने फिर पूरा टर्की वहां से निकाल लिया और टर्की की 1923 में स्थापना कर दी। केमल पाशा अतातुर्क जो है वहां के लीडर हो गए, और तब उन्होंने सेक्युलरिज्म, आप विश्वास नहीं करेंगे, ज्यादातर इस्लामिक कंट्रीज अगर आप देखते हो कट्टर हैं, ठीक है, वहां पे इस्लामिक लॉ है, लेकिन टर्की बहुत मॉडर्न है, क्योंकि ये बहुत वक्त तक यूरोप के अंडर भी था, तो यूरोपियन कल्चर आपको बहुत ज्यादा मिलेगा यहाँ पे। ये काफी मॉडर्न, यहाँ पे जो औरतें हैं वो गाड़ी चला सकती हैं, वहां पे उनको बुर्का पहनने की जरूरत नहीं है, और अपने हिसाब से माइनॉरिटीज का भी बहुत अच्छा प्रोटेक्शन है, क्योंकि अतातुर्क ने ये चीज समझी, केमल पाशा अतातुर्क ने, और उसके बाद इन्होंने बोला कि टर्की सेक्युलर रहेगा। अब जब सेक्युलर रहेगा तो हम किसी के धर्म में, हर धर्म का यहां पे स्वागत है, माइनॉरिटीज को बहुत प्रॉपर राइट्स मिलेंगे, और केमल पाशा अतातुर्क ने बकायदा अपने देश को सेक्युलर बनाए रखा। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि हाया सोफिया को म्यूजियम बना दिया, ठीक है, ये 1935 में इसको खोला गया था, पहले चर्च था बाइजेंटीन में, ऑटोमन में मॉस्क रहा, मस्जिद रहा, फिर इसको म्यूजियम बना दिया जब यहां पे अतातुर्क आए। अब उसके बाद अभी डिसीजन आया है कि इतने समय तक म्यूजियम रहने के साथ में हम देखते हैं कि रेसेप तैयब अर्दोगान, जिनकी अभी सरकार है टर्की में, वो काफी, वो बोलते हैं कि ऑटोमन एम्पायर, वो लेगेसी काफी राष्ट्रवादी किस्म के इंसान है, राष्ट्रवादी होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अत्यंत राष्ट्रवादी होना खतरनाक है, तो काफी राइटिस्ट है वो, और वो बोलते हैं कि ऐसा है, हम ऑटोमन एम्पायर की, उनका सोचना है कि इसकी लेगेसी को दोबारा जीवित करेंगे, और ये तो ऑटोमन एम्पायर ने जब जीता था तो ये चर्च था। अब हाया सोफिया को म्यूजियम से इन्होंने चर्च बना दिया, क्योंकि ये म्यूजियम था तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट था। अब ये इस्तांबुल में है, देख लीजिएगा, बहुत ही खूबसूरत है ना, चर्च बना दिया।
अब यहां पे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट था, तो यूनेस्को का भी मूड खराब हो गया कि आप कैसे कैसे चर्च बना सकते, सॉरी मॉस्क बना दिया, चर्च मैं बोल रहा हूं, आई एम रियली सॉरी, मॉस्क बना दिया, मस्जिद बना दिया। तो अब यहां पे यूनेस्को का भी मूड खराब हो गया कि भैया ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट, हमने इसको म्यूजियम के बेस पे दर्जा दिया था, अब मस्जिद के बेस पे आप कैसे कर सकते। पूरी दुनिया ने इसका खंडन किया कि गलत है, आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, अब प्रेयर्स भी वहां पर स्टार्ट हो गई है। एक महीने बाद दोस्तों एक और म्यूजियम को, ये आप देख रहे हैं ना इस्तांबुल, अब हम देखते हैं कि एक और म्यूजियम को जो पहले चर्च हुआ करता था, कारिया म्यूजियम, उसको भी इन्होंने मस्जिद बना दिया है एक महीने बाद। तो दोस्तों ये जो डिसीजन है, ये अभी ऑफिशियल गजट में इन्होंने पब्लिश कर दिया है कि जो इस्तांबुल का चर्च ऑफ सेंट जेवियर्स इन कोरा है, जिसको कारिये इन टर्किश बोला जाता है, वो अब टर्की की रिलीजियस अथॉरिटी को हम हैंड ओवर कर रहे हैं, और अब यहां पे जो प्रेयर्स है वो शुरू होगी। समझ रहे हैं? अब दोस्तों अगर हम बात करें तो ये भी इस्तांबुल में ही आया, सोफिया भी इस्तांबुल में, ये भी इस्तांबुल में। 4th सेंचुरी में यहां इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था, और 11th और 12th सेंचुरी में ये बकायदा इसको, ये अपने चरम पे था ये चर्च। फिर वही बता रहे ना कि ये वर्ल्ड वॉर 2 जब खत्म हुआ 1945 के बाद, ऑटोमन मतलब इधर टर्की आ गया, तो उसने इसको भी मतलब सब हटा के म्यूजियम बना दिया, है ना। अब दोस्तों क्या हुआ है कि जैसे ही अर्दोगान आए हैं, उनका पता नहीं वो किस रास्ते पे चल रहे हैं कि वो सब कुछ वो जनता को खुश करना चाह रहा है। उनको लगता है कि जनता को खुश करने का तरीका यही है कि सेक्युलरिज्म से हट जाओ। तो ये जो कानून है, जो सेक्युलरिज्म है ना, ये टर्की के खून में है, क्योंकि टर्की जब से केमल पाशा अतातुर्क है तब से सेक्युलर है, लेकिन अब इसको मस्जिद बना दिया गया है। आप समझ रहे हैं? तो जितने भी ग्रीस का बहुत ज्यादा ये प्रतिक्रिया जो है वो काफी ब्रूटल रही है, ब्रूटल इन द सेंस कि उन्होंने बिल्कुल खंडन किया है, कि उन्होंने बोला कि अब तो बिल्कुल इंसल्ट है एक तरीके से, और आप यूएन वर्ल्ड हेरिटेज साइट को ऐसे कैसे कर सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें अभी आप देख रहे हैं कि टर्की में हो रही है, और एर्दोगान साहब जो हैं वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को पूरी तरीके से इग्नोर कर रहे हैं और अपने वहां पे लोगों पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो यही चीज है कि अब देखिए हाया सोफिया जिस तरीके से इंपॉर्टेंट था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहा है ना। कारिये भी, कारिये की भी कहानी वैसी है, सेम टू सेम। पहले चर्च बाइजेंटीन में यही हुआ, बाइजेंट तीन एम्पायर में चर्च थे, उसके बाद ये मॉस्क हो गए, और फिर जब अतातुर्क आए तो उन्होंने म्यूजियम बना दिया, लेकिन अब फिर इसको मस्जिद बना दिया गया है। ठीक है, होली सेवियर इन कोरा, जो कि मेडिवल बाइजेंटाइन चर्च है, 14th सेंचुरी में इसको डेकोरेट किया गया था, और 1453 में इसको मॉस्क बना दिया, और अब इसको वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इसको म्यूजियम बना दिया, लेकिन अब फिर इसको मस्जिद बना दिया गया है। तो ये दोस्तों कहानी है। अब आप देखते हैं कि क्या, अब देखेंगे कि आगे अर्दोगान साहब जो है वो क्या कर रहे हैं, है ना। और यही है, पॉलिटिक्स ऐसे ही होती है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स देख लीजिए, वो सब ऐसे ही है। आप एक चीज मैं नोटिस कर रहा हूँ कि इस समय दुनिया जो है ना वो एक ही राह पे चल रही है ना। दुनिया जो है ऐसा नहीं है कि जो चीज भारत में हो रही है वो कहीं नहीं, इनफैक्ट हर जगह सेम चीज हमको होती हुई दिख रही है। तो देखेंगे भैया, वैसे तो हमारी फिलोसफी है वासुदेव कुटुंबकम, सबको साथ में लेके चलना, आगे देखेंगे, इस पे नजर हमारी बनी हुई है। और अगर कोई और मॉन्यूमेंट को अर्दोगान साहब मस्जिद में कन्वर्ट करते हैं फिर वो भी मैं बताऊंगा। वैसे लग तो रहा है फ्रंट फुट पे है कि सब कुछ वो पब्लिक को अपीज करने के लिए सारी चीजें करेंगे, और अर्दोगान साहब तो इस समय पूरे डिक्टेटर हो गए हैं ना एक तरीके से। एनीवे, ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।